और सामान देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि भाई कहाँ पर जाने वाले हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। तो अभी सब कुछ पैक करना अभी बाकी है, इधर सब कुछ वैसे ही बिखरा हुआ है। तो 8:45 हो चुकी है और 9:30 को मिहिर चेवली के घर पे पहुंचना, और सब कुछ सामान वैसे का वैसा ही है। और सामान देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि भाई कहाँ पर जाने वाले हैं, ट्रिप पे जाएंगे। और वहाँ पर नासिक साइड पे हमारा कैंपिंग है और रूट है हमारा सापूतारा का, और एक रूट फॉरेस्ट में से जाता है, तो हमने प्रीफर किया सापूतारा वाला रूट, तो उधर से ही हम लोग जाने वाले हैं। तो शायद तक वहाँ पर रुकेंगे, या तो फिर कल हम वहाँ से रिटर्न होंगे, ना तभी हम वहाँ पर रुकने वाले हैं। अभी फिलहाल इधर से निकलते हैं और फिर मितेश को भी लेना है तो उसको भी ले लेंगे। तो सबसे पहले ये पैक कर देते हैं। तो फिलहाल अभी बैग रेडी हो चुका है, तो चलो अभी नीचे चलते हैं। ईशान बाय बाय, पहले नीचे जैकेट रख देते अंदर और फिर डायरेक्ट इधर से निकलते। हर बार की तरह इस बार भी लेट करता है। चल खोल, अभी डाकोर में तो लेट किया था, अभी भी लेट किया। लेट हो ही जाता है, इतना काम रहता है ना गाइस। ये लोग आलू पूरी खाने गए, इसको ग्लास लाने को बोला ना तो वो नहीं लाता, और आलू पूरी लेने चला गया। अभी सब लोग आ चुके, इधर तो दो जन का सामान में ही फूल हो गया। 10 बजने वाले इधर, और इधर केविन के साथ में अभी शूज लेने आया हूँ, तो वो शूज भूल गया इसीलिए, तो अभी शूज ले लेते हैं। 10 शूज आ चुके हैं तो अभी चलते हैं वहाँ पर। सारे 9 का बोला था, अभी 10 बज चुके हैं, तो अभी इधर से हम निकलने वाले हैं, तो चलो चलते हैं। अभी बैठने के लिए मगजमारी हो रही भाई की कहाँ पे बैठे। जाने दे, लगेगा तो आवाज आएगा। केबल नहीं चल रहा तो केबल लेने के लिए गया, वहाँ से मिल गया तो फिर से अभी गया है वो केबल लेने के लिए, तो अभी देखते हैं कि फिर से कैसा केबल आता है। वहाँ पे तो वो वाला केबल तो नहीं चला, तो फिर से देने के लिए जा रहा है क्योंकि ये वाला नहीं चला। अभी तीसरी बार ऑक्स लेने के लिए गए, अभी देखो मिल जाएगा तो अच्छा है, वरना चौथी बार भी खड़ी रखनी पड़ेगी गाड़ी। वाला भी नहीं चल रहा, अभी डायरेक्ट जाना ही, तो अभी कहीं पे खड़ी मत रखना। तो उन्हें आ चुका है, चल अभी खाने के लिए गाड़ी खड़ी रखी है। मैं अभी बन जाए अपनी, और जलेबी है तो खा लेते इसको। ये वाला फाइनल स्टॉप है, तो इसके बाद सीधा वहाँ पर ही जाएंगे नासिक, जहाँ पर हमारा कैंपिंग होने वाला है, तो वहाँ पर ही सीधी अभी गाड़ी रुकेगी, तो चलो अभी चलते हैं। फिलहाल स्टॉप नहीं लेने वाले थे, तो भी अभी स्टॉप लिया है, तो अभी सापूतारा के घाट चलने वाले हैं। तो वहाँ पर जैसे ही सापूतारा के घाट खत्म हो जाएंगे तो सापूतारा पर थोड़े फोटोज खिंचवाएंगे, और उसके बाद सीधा जाएंगे नासिक कैंपिंग के लिए। भाई इधर भीड़ बहुत ही है, सापूतारा मतलब पूरा फूल ही है, तो अभी सीधा नासिक ही निकलते हैं इधर से। फिलहाल जो लोग सेफली जाते हैं उनके लिए यहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी के लिए कैंप भी लगाया है। तो अभी हम लोग सापूतारा में, तो अभी जब नासिक जाना है ना, वो इधर से 79 किलोमीटर है, 79 किलोमीटर अभी नासिक और जाना है आगे, तो 1.5 घंटे तो वैसे ही हो जाएंगे, तो देखते हैं कितने बजे अभी पहुँचते हैं वहाँ पर। हैप्पी दीपावली बस। अभी हम सापूतारा से 31 किलोमीटर दूर है और सूरत से 190 किलोमीटर, और अभी हमको 50 किलोमीटर आगे नासिक तक जाना है। तो कोई स्टॉप नहीं लेने वाले थे, अगर डायरेक्ट वहाँ से बैठे ना तभी कोई स्टॉप नहीं लेने वाले थे, वो लास्ट वाला स्टॉप था, तो 5 से 6 स्टॉप हो चुके। तो फिलहाल सब लोग आ चुके, इधर बबल चालू हो चुकी है कि भाई मैं इधर नहीं बैठूंगा, तू पीछे बैठ जा, चलो फटाफट बैठो भाई, अभी 20 किलोमीटर और जाना है। क्रिस आ जा अभी पीछे।
एक और स्टॉप लिया है तो वो लोग है ना सोसी और थम्सअप वो सब के लिए गए। इधर से अभी 10 किलोमीटर ही बाकी है तो वहाँ पर देखते हैं कि कैसा टेंट वो सब है। बहुत एक्साइटेड है टेंट के लिए कि भाई कैसा कैंपिंग होगा। नाश्ता और वो सब तो ले लिया था गाइस, बहुत मजा आने वाला है, मैं अभी भी आपका बोल रहा हूँ। A few hours later. रास्ता ही नहीं मिल रहा है तो कब से इधर ऐसे ही घूम रहे हैं। अभी पूछ लेते हैं कि भाई कहाँ पर जाना है। फिलहाल हम लोग है यार्क वाइन में, इधर पार्किंग के लिए रखी है गाड़ी क्योंकि अंदर गाड़ी में मतलब स्पेस ही नहीं है, वो गाड़ी भी नहीं जा सकती अंदर। और अभी अंदर ही जाने वाले हैं फाइनली, तो सामान भी सबका निकल चुका है और अभी अंदर जाएंगे और देखेंगे कि भाई कैसा कैंपिंग है। पहले तो फोन चार्जिंग में डालेंगे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं तो बहुत ही बढ़िया माहौल है इधर का। तो मेरा फ़ोन बंद हो गया था तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा भाई, बहुत ही ख़तरनाक कैंप है, आप भी इधर आ सकते हो, मज़ा आ जाएगा, दोस्तों के साथ चिल करने इधर आ सकते हो। तो अभी आपको दिखाता हूँ कैसा टेंट है। सबसे पहले इधर गाड़ी है और इधर सब बॉटलें रखी है तो इधर भी फ़ोटो ले सकते हो, बहुत ही मस्त आएगा। ये पूरा फेंसिंग किया हुआ है, ये सामने भी बहुत ही बढ़िया है और इधर झूलना हो तो झूल सकते हैं। बाकी इधर से आगे टेंट लगा रखे हैं तो टेंट भी देखते हैं, बहुत ही बढ़िया टेंट है। ये सब जो पहले है वो सब कपल के लिए है और इधर दोस्त लोग चिल कर रहे हैं। तो इधर बीच में ही बारबेक्यू पहले कर सकते थे पर अभी वो बारिश की वजह से मतलब पूरा निकल गया, पूरा मतलब कीचड़ हो गया था तो वो लोग सही कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी आगे एक और हैं तो यहाँ पर भी बैठ सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है ये वाला भी। बाकी दूसरा इधर ये सब जो है पीछे तो ये सब इधर कपल आने वाले हैं 9:30 बजे तो उनके लिए है। बाकी ये 4 वाले हमको अलॉटमेंट हुए, डिनर चालू होगा थोड़ी देर में, चिकन बारबेक्यू करने वाले। बड़े वाले टेंट में देख लेते हैं कि भाई अंदर कैसा है। तो इधर मतलब बैग रखने का है और उधर सोने का है तो बहुत ही बढ़िया ये कपल के लिए। फिलहाल अभी खाने में चिकन, तो ये प्लेस है ना बहुत ही ज़बरदस्त है। जो मेन कोर्स होता है ना वो आएगा तो वो 11 या 12 बजे होगा और अभी फ़िलहाल वेज का भी आ चुका है तो फैनिल और ध्रुव है ना वो लोग खाने वाले हैं वेज। बातों में तेरी जो हो जाते हैं आओ ना होश में मैं कभी तो फिलहाल अभी बॉनफायर चालू हो चुका है और इधर सॉन्ग भी चालू है और तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हम दम ना जीना गिना जीना कैसे जी। खमन नहीं खमनी था, खमनी था अब अभी अभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो सच में लेके आएंगे। लोग वहाँ पे सॉन्ग गा रहे हैं और इधर हमारा फोटो सेशन चल रहा है तो अभी बहुत ही मजा आ रहा है और इधर ये लोग गाना गाने में बिजी है तो फटाफट फोटो शूट खत्म करके फिर हम भी ज्वाइन कर दें इनको। टर्न बाय टर्न सबका नंबर आने वाला है। ये क्या बजा को पैसा बर्बाद पहन चोर क्विट
मैं होल्ड करूँ क्या, आप उधर से चलो ओके ओ बेटा रहेगा। अजब सी दिल को बना दे पतंग सा से ये तेरी हवाएं है, ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है। और बहुत ही मजा आया भाई। तो केविन और अमितेश सो गए अभी, तो उनको डिनर के टाइम पे उठाना। तो ये बहुत ही मतलब अमेजिंग प्लेस है, तो मस्ट विजिट हियर, बहुत ही मजा आएगा आपको। थैंक यू भैया, बहुत बढ़िया गिटार प्ले किया आपने। थैंक यू, अप्रिशिएट। चलो मिलते हैं, बाय बाय। उठ गया फाइनली है। अभी फाइनली डिनर आएगा। अभी डिनर में चिकन मखनी और कुलचे। तो अभी फिलहाल इधर बहुत ही ठंड लग रही है, तो अभी जैकेट पहन लेते। जैकेट देना मेरे को, बहुत ठंडी है भाई। उसमें ये रहा ऊपर ऊपर ही, वो ब्लैक कलर। एक बजे अभी मेन कोर्स आ रहा है हमारा, खाने में चिकन कोरमा और कुलचा। तो फाइनली आज बहुत ही मजा किया। तो अभी फिलहाल सो जाते हैं, 3 बज चुके हैं अभी। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।